खबर शाजापुर से है, जहां प्यार में पागल एक मां ने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। बेटे को उसने उस दिन मारा जिस दिन उसका बर्थडे था। अपने प्रेमी के साथ मिलकर तकिए से मुंह दबाकर उसे मार डाला। बेटे का कसूर बस इतना था कि जब वो अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में थी, तभी वो घर में आ गया। उसने बस बदनामी के डर से ये सब कर दिया। अकोलिया टीआई लक्ष्मण सिंह देवरा ने बताया कि 3 मई को जाटपुरा में 12 साल के वरुण पिता कैलाश सूर्यवंशी का शव उसके घर पर मिला था। आरोपी ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। वहीं पूछताछ में बताया गया कि उज्जैन का रहने वाला संजय दोपहर में उनके घर आया था। वो अक्सर उनके घर आता जाता रहता है। पता चलते ही पुलिस ने प्रेमी संजय सुदर्शन बामनिया निवासी उज्जैन को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसका बच्चे की मां ममता से अफेयर है। 3 मई को दोपहर करीब 2:30 बजे वो उससे मिलने आया था, जहां वो दोनों अकेले थे, और इसी दौरान उसका 12 साल का बेटा वरुण अचानक से घर पे आ गया। बेटे को सामने देख ममता घबरा गई। बदनामी के डर से उसे ठिकाने लगाने की बात कही, इसलिए हम दोनों ने तकिए से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मां और प्रेमी दोनों को ही गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। वरुण के पिता फल बेचते हैं, इस कारण वरुण और उसकी बड़ी बहन अंजलि ज्यादातर पिता के साथ ही रहते हैं। घटना वाले दिन भी भाई बहन पिता के साथ ठेले पर ही थे। वहीं वरुण का जन्मदिन होने से वो तैयारी के हिसाब से दोपहर में अचानक से घर आ गया। हालांकि यहां उसने अपनी मां की करतूत देख ली। मां ने भी अपने कलेजे के टुकड़े को मौत के घाट उतार दिया और प्रेमी को भगाकर खुद भी खेत पर चली गई। शाम को जब बहन अंजलि घर पहुंची तो घर का गेट अटका हुआ था। गेट खोलने पर वो भीतर गई तो भाई मृत हालत में पड़ा था।